नमस्कार, आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय अध्याय 9 के शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं? इसका उत्तर है, केर और बेर खेजड़ी के साथी हैं। प्रश्न 4, खेजड़ी से क्या लाभ है, लिखिए। उत्तर, खेजड़ी से पक्षियों को, पशुओं को और राहगीरों को छाया मिलती है। खेजड़ी के पत्ते ऊंट के भोजन के काम आते हैं। मरुस्थल की गर्मी व तपती धूप में लोगों का एकमात्र सहारा खेजड़ी ही है। प्रश्न 5, खड़ी एकली थू मदमाती केर बोरड़ी थारा साथी, दोरा में थू कीकर जीवे क्या रेत में खावे पीवे। उक्त पंक्तियों का अर्थ लिखिए। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, तू अकेली अपनी ही मस्ती में खड़ी है, केर और बेर के पेड़ या झाड़ियाँ तेरे साथी है। तू रेत के टीलों के बीच कैसे जीवित रह पाती है और क्या और कैसे खाती पीती है। हमारी पाठ्यपुस्तक में आगे है भाषा की बात। खेजड़ी के पास हरिण कुलांचे बरता है। यहाँ पर खेजड़ी और हरिण संज्ञा शब्द हैं। पाठ में आए ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांट करके लिखें। तो इसमें एक तरफ वाक्य दिए हुए हैं और एक तरफ संज्ञा शब्द। पहला है, मरुस्थल में सब गांव ढाणी मजरे तुम्हारा नमन करते हैं। इसमें मरुस्थल, गांव, ढाणी, मजरा ये संज्ञा शब्द हैं। दूसरा है, मोर, कमेड़ी और कोयल बोलते हैं, गोडावण के जोड़े आते हैं। तो इसमें मोर, कमेड़ी, कोयल, गोडावण ये शब्द संज्ञा शब्द है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या दशा, अवस्था आदि के नाम हैं। हमने परिभाषा सीखी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार परिभाषा को समझते हुए हम यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखते हैं। इस प्रकार से आप भी इस कविता में से इस प्रकार के वाक्यों की छंटनी करके उनमें से संज्ञा शब्द छांट करके, संज्ञा शब्द अर्थात जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या दशा, अवस्था के नाम हो, वो नाम छांट करके यहाँ पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में अनुस्वार, अनुनासिक एवं ण वाले शब्द आए हैं, ऐसे शब्दों को छांट करके लिखें। नीचे सारणी दी हुई है जिसमें पहले कॉलम में अनुस्वार, फिर अनुनासिक और ण वाले शब्द। इसमें एक एक उदाहरण भी दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक में। अनुस्वार में पंथी, अनुस्वार यानी कि ऊपर एक बिंदी लगती है। अनुनासिक, इसमें शब्द दिया हुआ है छांव, अनुनासिक की मात्रा में चंद्र बिंदी लगती है। एवं ण वाले शब्द, जिन शब्दों में ण आया हुआ हो, इस प्रकार के शब्दों को हमें लिखना है। तो हम कविता में देखते हैं तो वो शब्द हमें मिलते हैं, अनुस्वार में किंकर, फिर अनुनासिक में माही, गांव, किया, बखाणु। ण वाले शब्द बखाण, ढाणी, हिरण, गोडावण, पण। इसी प्रकार थू, कोसों, ताई, ठाव, कुलांचा, कुर्जा, काव, ऊंट, आंधी, सू, लपटा, माँ, लोगा और ण वाले शब्द दाजण। इस प्रकार से हम इन शब्दों को लिखेंगे।
हमें विशेष बात ये ध्यान रखते हैं कि अनुस्वार में ऊपर एक बिंदी लगती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगती है। पहला प्रश्न है, काँव काँव किसकी आवाज़ है? नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं, कोयल, कमेडी, कुर्जा या कोवा। इसमें जो सही है आपको अपनी कॉपी में भरना है। प्रश्न को लिखते हुए दूसरा प्रश्न, खेजड़ी के आसपास कौन कुलांचे भरता है? ऊंट, मोर, काला हिरण या कौवा, इनमें से कौन सा सही है? कविता को पढ़ करके सही उत्तर को कोष्टक में भरना है। तीसरा प्रश्न है, खेजड़ी के पत्ते कौन खाता है? हिरण, ऊंट, गोडावण या कुर्जा, इनमें से सही उत्तर कविता को पढ़ते हुए सही उत्तर कोष्टक में भरना है। चौथा प्रश्न है, रेगिस्तान में धूल भरी हवा के गुब्बार को कहते हैं? रेगिस्तान में धूल से भरी हुई हवा के गुब्बार को क्या कहते हैं? डुगट, बयार, लू या हवा, सही उत्तर कोष्टक में भरना है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने अभी पाठ में पढ़ा कि खेजड़ी हमारे राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है, उसी प्रकार से राजस्थान राज्य के हमारे राज्य के राज्य जो फूल है, राज्य फूल, उसका नाम है रोहिड़ा, राज्य पक्षी का नाम गोडावण और हमारे राजस्थान राज्य के राज्य पशु चिंकारा व ऊंट, दोनों ही, इन दोनों को ही राज्य पशु घोषित किया गया है। ये ऊंट की तस्वीर है जो कि हमारा राज्य पशु है और यह है चिंकारा की, जो एक प्रकार का हिरण ही होता है, तस्वीर है। और यह है राज्य पक्षी गोडावण, यह हमारा राज्य पक्षी है। और जिस प्रकार खेजड़ी है, वैसे रोहिड़ा हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है।